हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और बीएड सेकंड ईयर वाले भी इसको देख सकते हैं जो कि अपनी सीटेट की पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट अपडेट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास mathematically talented student should be groomed in isolation option b hai it should be acknowledged that mathematics is meant for selected few students option c is textbook should only include problem of average difficulty option c is contribution of mathematics from different region and different social group शुड बी हाईलाइटेड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी हाईलाइटेड विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एचीविंग मैथेमेटिक्स फॉर ऑल एज पर एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं Question number 2. Which of the following is considered as a characteristics of an effective mathematics classroom? Option A hai. Step for solving a new problem for nearly demonstrated on the board by teacher. Option B Group work and group problem solving is encouraged. Option C is. इट इज़ एम्फोसाइज दैट मैथेमेटिक मैथेमैटिक्स इज असेंशली अंक्रीट सब्जेक्ट ऑप्शन डी इज़ मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर इनक्रेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर इंकरेज बाई टीचर इज कंसिडर एज अ करैक्टरस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथेमेटिक क्लास रूम ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है हमारी ठीक है देखिए एक बार फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स ऑप्शन ए है इनफॉर्मल Algorithms are inferior to formal mathematics. Option B everyone can learn and succeed in mathematics. Option C is girls need extra attention because of weaker in mathematics because they are weaker in mathematics. Option D mathematics is specialized subject meant for selected student for a select few. ठीक है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लर्निंग मैथमेटिक्स एवरी वन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इसका ठीक है लर्निंग मैथमेटिक्स एवरी वन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है चलिए नेक्स्ट पे मूव करें अभी क्वेश्चन नंबर फोर है द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट रिलेटेड टू रेशो एंड प्रोपोर्शन वॉज हाईलाइटेड बाय किसने हाईलाइट किया था चार ऑप्शन हैं हमारे पास देख लीजिए तो जो इसका आंसर है वो है द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट रिलेटेड टू रेशो एंड प्रोपोर्शन वॉज हाईलाइटेड बाय जीन प्याचे जो ऑप्शन डी है वो हमारी करेक्ट है ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी पहला है रोल प्ले यूज ऑफ मॉडल डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम चौथी है यूज ऑफ आई सी टी आई सी टी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है रोल प्ले रोल प्ले इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल इन अ मैनेज वे इन ऑर्डर टू डिवेल्प एक्सपीरियंस एंड ट्रायल डिफरेंट स्ट्रैटजीज इन अपोर्टेड इन्वायरमेंट तो इसीलिए जो रोल प्ले है इट इज़ द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी ठीक है क्योंकि इसमें क्या होती है इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है लोगों के बीच में ठीक है तो इसे हम अच्छे से जो Uh, ये स्किल है सीख सकते हैं ठीक है चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ असमेंट चार ऑप्शन है हमारे पास मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस तो इसका जो आंसर है वो है रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इज नॉट द परपज ऑफ असैसमेंट बिकॉज असमेंट हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन सिस्टम असेसमेंट शो अस कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू अचीव हिज एम ठीक है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डी स्टेटमेंट है वो ठीक है बिकॉज इसने क्या है नॉट अ पर्पज पूछा है तो डी एक पर्पज नहीं है सब का ठीक है इस नॉट को कभी भी इग्नोर मत करना इससे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल हाँ जी इसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल ठीक है बिकॉज इन दिस स्टूडेंट्स आर इंस्पायर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम बाय दियर इवोल्यूशन कैपेसिटी या इवोल्यूशन कैपेबिलिटी बोल सकते हैं हम ठीक तो है तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड बेस्ट है चलिए अभी नेक्स्ट पे मूव करें क्वेश्चन नंबर एट देखिए द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज चार ऑप्शन है हमारे पास टू गिव फीडबैक टू पेरेंट्स टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन टू नो द गैप इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग हाँ जी तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन डी ठीक है द परपज ऑफ डाइग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमैटिक्स इज टू नो द गैप इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बिकॉज डाइग्नोस्टिक सेल्फ टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स इन क्लास ठीक है चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नाइन पे रेमिडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर रिकैप्चुलेटिंग द लेसन टीचिंग इन प्ले वे मैथड रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ वीक स्टूडेंट्स टीचिंग द होल क्लास तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी रेमिडियल टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर रिमूविंग डिफिकल्टीज टू difficulties ऑफ वीक स्टूडेंट्स वीकर स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स कैन बी टेकन विद नॉर्मल स्टूडेंट्स by remedial टीचिंग ठीक है एक बार देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलिंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस इसमें से कौन सा मैथेमेटिकल प्रोसेस नहीं है मेमराइजेशन एस्टिमेशन मेजरमेंट एंड विजुलाइजेशन तो इसका जो आंसर है वो है मेमराइजेशन मेमराइजेशन इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस बिकॉज इट हैज़ कंसेप्ट्स ठीक है they are, they are तो मेमोराइजेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है बिकॉज़ इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके कंसेप्ट्स होते हैं कुछ उन कॉन्सेप्ट को समझना होता है तो कुछ याद रखने वाली चीज़ें नहीं होती तो ठीक है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फ़िज़िकल साइंस के ऊपर होगी पैटागॉजी ऑफ फ़िज़िकल साइंस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय